कोगनोळी जमीन प्रकरणात न्याय देण्यात तहसीलदार कार्यालय असमर्थ. जमीन गैरप्रकरणासंदर्भात लोकायुक्तांच्याकडे दाद मागणार, मैनुद्दीन शेख यांची माध्यमांना माहिती. कोगनोळी येथील सर्वे क्रमांक 757 या जमिनीची बोगस वारसा डेअरी बनवण्यात आलेली असून ऑनलाईन उतारेही गायब झालेले दिसून येत आहेत. हा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर आपण रितसर या संदर्भात तक्रार देऊन निपाणी तहसीलदार कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे. मात्र या प्रकरणात माझ्यावरती मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला असून निपाणी तहसीलदार कार्यालय जाणीवपूर्वक माझ्या जमिनीमधील गैरप्रकार झालेल्या व्यवहार संदर्भात कोणत्याही पद्धतीची सकारात्मक भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. जमिनी संदर्भात झालेली गैरप्रकरणातील सर्व कागदपत्रे तहसीलदार कार्यालयाला दाखवून देखील संपूर्णपणे उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात येत असून यासाठी या प्रकरणाचा लोकायुक्तांच्याकडे दाद मागणार असल्याची माहिती माध्यमांशी बोलताना मैनुद्दीन शेख यांनी दिली. 1 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक राज्य उत्सव दिनाच्या निमित्त बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आलेला होता. त्यावेळी पोलीस प्रशासनाने आडकाठी आणली. निपाणी तहसीलदार कार्यालयाने बोगस डायरी बनवण्यात आलेला आहे. हा मोठा गैरप्रकार करण्यात आलेला आहे. तहसीलदार कार्यालयातील अनेक प्रशासकीय अधिकारी हा गैरप्रकार करण्यात कारणीभूत आहेत. यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून जमिनीतील झालेल्या फसवणुकीसंदर्भात मला न्याय द्यावा अशी तक्रार लोकायुक्त यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे अशी माहिती मैनुद्दीन शेख यांनी दिलेली आहे. येत्या काळामध्ये न्याय मिळण्याची अपेक्षा माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली आहे. मेरा मूल गांव हमारे कोगनोळी है. अब हम सर्विस के लिए वजह से हमारे पापा वगैरह हम कागज में रहने हुए हैं और देख रहे बहुत दिन से हमारा कोगनोळी के अंदर जो है सर्वे नंबर 757 जो हमारे संधि इनाम लैंड है उसके बारे में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं कई बार इनको एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, स्ट्राइक की नोटिस भी दे चुका हूँ. यहाँ तक कि 1 नवंबर को मैंने आत्मदहन का इशारा भी जिलाधिकारी ऑफिस से लेकर जो है वो होम मिनिस्टर सेम साहब से लेकर जो नीचे तहसील ऑफिस निपाणी तक दिया था. और यहाँ तक कि हम 1 नवंबर को आत्मदहन के लिए गए थे भी लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमने हमें वहाँ पर रोक लिया. और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नीचे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है. इस केस के अंदर अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स मैं अपने पत्रकार परिषद भाइयों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये करप्शन हुआ कैसा है. एक्चुअली जो है ये संधि इनामी लैंड है जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1932 को हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से दिया था और उसके बाद में इसका रायता ऑर्डर ये अब्दुल रहमान बड़ा शेख ये मेरे जो दादाजी हैं हमारे उनके नाम से भी 1978 में हुआ था. एक सिविल कोर्ट का जजमेंट भी है 1978 ऑर्डरशिप है कि जिन्होंने अभी ये जमीन दी है जो बाबुरा मखदूम बाबुरा कोट कगुड़े रामगुंड कगुड़े ये इसमें इनका टेनेंसी राइट्स पे कोई भी अधिकार नहीं है यानी संधि इनामी लैंड है. ऐसा करना 1978 का सिविल कोर्ट का जजमेंट भी हमारे पास है. रिग्रैंड की कॉपी है क्या आपके पास? हाँ रिग्रैंड कॉपी सर है. रिग्रैंड कॉपी 1978 का भी मेरे पास है. और सर एक ये ऑपोजिशन का कहना ये है कि एक्सपायरी ऑर्डर जो हुई थी जो ट्रिब्यूनल के अंदर उसके हिसाब से उनको खेती मिली है ऐसा इनका कहना है तहसीलदार ऑफिस का कि कई क्लर्क ने बस मुझे ऐसे मतलब जबान से बोला कभी उन्हें लिखे अभी तक दिया नहीं है इसके बारे में कुछ कि जो एक्सपायरी ऑर्डर है वो ऑर्डर नहीं है वो प्रस्तावना है और उसे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलोर ने 1984 के अंदर जो है उसको कष्ट किया है. और देख सकते हैं कि मैं आपको एक सिविल कोर्ट का मैं जजमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ. ये सिविल कोर्ट का ऑर्डरशिप भी है मेरे पास और वे बोल रहे हैं कि जो 1978 का जो उन्होंने जो अभी जिक्र किया है 81 का सॉरी तो ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को जो एक्सपायरी ऑर्डर है इसे कर्नाटका बेंगलुरु हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया है. जो ऑर्डर बेंगलुरु हाईकोर्ट क्वेश्चन करती है वो ऑर्डर ये कंटिन्यू करने का मतलब ये फ्रॉड मतलब करके कर रहे हैं. ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि ये देश के कायदा कानून के हिसाब से ये अपना जो है न्याय व्यवस्था नहीं चला रहे. और इसके बाद ये ऑर्डर क्वेश्चन होने के बाद 10 उसके अंदर मतलब बाबूराम मखदूम जिस वक्त वो जीवित थे तब भी उनके जो उनका जो सन है महावीर मखदूम उनका नाम ऑलरेडी उसके अंदर है और फादर की डेट के बाद भी उनका वासा ही है. मतलब एक आदमी का दो बार नाम कैसे आ सकता है, दो बार प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है. और एक्सपायरी 1981 के ऑर्डर में तो रामगुण कवड़े का नाम है ही नहीं, फिर उनके नाम पर आया कैसा. और भी जो अदर्स लोगों के नाम वहाँ पे दिख रहे हैं उसके अंदर भी किसी भी आदमी का कोई भी डायरी नहीं है, किसका आदेश नहीं है, कुछ भी नहीं है.
मन चाहे जैसा कारनामा जो यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखिए सर, इसके अंदर हमारा जो 1024 जो डायरी थी और जो 10301 जो फ्रॉड डायरी थी, इस डायरी का उन्होंने क्या किया है, ये ऑनलाइन उतार से गायब कर दिया है। जब हमने उनको पूछा कि मतलब फिर एक बार बताइए। आरपीएस के अंदर जो कॉलम नंबर 10 के अंदर जो कब्जा का जो मालिक का प्रकार जो होता है उसके अंदर जो है 10204 और 10301 एक डायरी है जो फ्रॉड है। यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस में से जब हमने 2018 तक उसमें नाम था, 2018 के पानीपत गदाटे से किसका नाम था, वर्दी रहेगी वर्षा वर्दी नाम थी हमारा सर। और जब हमने अभी 2019 में निकाला तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि हमें वो डायरी वहाँ भी दिखाई नहीं दी। मतलब आपका आरोप ये है कि ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में फेरफार किए हैं? डॉक्यूमेंट में भी सब फेरफार किए हैं। और किसने किया होगा आपके ख्याल से? सर इसमें ये बहुत बड़ी चैन है, हाँ, किसी एक का भी नाम ऐसे सामने नहीं आ रहा है सर। कई बार ऐसे अभी जैसे अगर कोई एक एप्लीकेशन देता है तो 3-4 लोगों की तरफ से फिर तहसीलदार ऑफिस तहसीलदार साहब के पास। नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पहले उतारे पे ये डायरी का नाम था और इनका इनका नाम था और तो 2022 में 2018 के नाम नहीं है, ऐसे नाम गुम हो गए उसमें से, डायरी गुम हो गई? वो डायरी ही गुम हो गई सर, ये पूरे प्रूफ है हमारे पास। उन्होंने प्रूफ ये दिया है लिखकर उसके अंदर कि उसका डाटा फुल हुआ है सर। हाँ, उसका डाटा फुल हुआ है, देखो इधर में प्रूफ दिए, उसका डाटा फुल हुआ है सर। हाँ, और एक इसके अंदर एक जरूरी चीज, डाटा गायब हुआ है। डाटा फुल होने की वजह से आपका जो है डायरी जो है आपका वारसा डायरी नहीं दिख रही है। आपकी वारसा डायरी है और जो डाटा फुल होने के हिसाब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिख नहीं रही है, वो पानीपत्र में नहीं दिख रही है। तो आपको ये जो बोला है वो आपके पास रिटर्न में है? वो रिटर्न में भी है मेरे पास, उन्होंने ऐसा प्रूफ दिया है कि 2018 तक जो है वो आपका मतलब वहाँ पे डाटा था, लेकिन अभी उसके बाद में डाटा फुल होने की वजह से आपका वारसा डायरी और 1030 डायरी वो नहीं दिखाई दे रही है सर। ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा वो बोल रहे हैं, हमारे पास इस तरह से पूरे ग्रुप्स भी है सर। अभी देखिए, और दूसरी बात ये है सर कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो एक्शन रिपोर्ट हमने जो उनसे मांगा है वो 2005 के एक्ट के